हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड FRO वैकेंसी 2021 के बारे में। फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर यानी कि वन क्षेत्र अधिकारी की वैकेंसी UKPSC ने जारी कर दी है, जिसमें कि टोटल 40 पद हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है, वो भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको, बिल्कुल फ्री में घर बैठे। और दोस्तों, मैंने इसके नोटिफिकेशन की वीडियो भी अपलोड कर दी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन में से वो वीडियो देख सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको इस वैकेंसी की पूरी डिटेल बताई है, तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। तो वीडियो आप स्टार्ट करते हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आपको UKPSC के ऑफिशियल वेबसाइट आपको ऑन कर लेनी है क्रोम ब्राउज़र में। फिर आपको इन तीन डॉट पर आपको क्लिक करना होगा और इसको आपको डेस्कटॉप साइड मोड पर आपको ऑन करना होगा। इसको आपको ऑन करना होगा, फिर इससे आपका जो विंडो होगा डेस्कटॉप साइड मोड में आपका ऑन हो जाएगा। आपको अपना फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, स्टेप वन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी होगी। फिर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको डालनी है। फिर थर्ड स्टेप में आपको अपने सिग्नेचर और फोटो आपको अपलोड करने हैं। फिर आपको मेक पेमेंट आपको करना है और प्रिंट एप्लीकेशन आपको करना है। फिर इससे आपका फॉर्म जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। और फोटो और सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। फिर सबसे पहले आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको अपना कैंडिडेट नेम आपको डालना है, फिर फादर नेम आपको डालना है, मदर नेम आपको इसमें डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें सिलेक्ट करनी है, फिर आपको अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, और फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपना नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यदि आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नेम रजिस्टर्ड है तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर यदि आप एम्प्लॉय हो तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर यदि आपने हाई स्कूल या इंटर उत्तराखंड से कंप्लीट की है तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर यदि आपके माता पिता या पति पत्नी को अर्धसैनिक बलों में कर्मचारी हैं उत्तराखंड में, तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है। और फिर यदि आपके जो माता पिता या पति पत्नी आपके जो उत्तराखंड राज्य में सेवा कर चुके हैं तो आपको यस करना है। फिर यदि आपके माता पिता या पति पत्नी सेंट्रल लेवल पर जॉब करते हैं तो आपको उसको यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर यदि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और आपका जो उत्तराखंड से आप बाहर रह रहे हैं तो आपको उसको यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर यदि आपके माता पिता या पति पत्नी आपके स्थायी निवासी है उत्तराखंड के, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। इन सारी डिटेल को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, फिर आपको यस और नो अपने हिसाब से कर लेना है। फिर यदि आपके पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का तो आपको ये सिलेक्ट करना है, वरना आपको नो करना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी, आपकी जो भी कैटेगरी होगी SC ST जो भी कैटेगरी होगी वो आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको इसमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर कंफर्म ईमेल आईडी करनी है, फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर आपको डालना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालना जो आपका वैलिड हो, रेगुलर यूज में हो, क्योंकि इसी में सारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपकी जाएंगी। फिर आपको इसमें अपना प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना है, लाइन 1 आपको डालना है, फिर लाइन 2 आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको सिटी विलेज या टाउन आपको डालना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपना पिन कोड इसमें डालना है। फिर यदि आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको इसको यस करना है, फिर आपकी जो नीचे की डिटेल होंगी ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। फिर आपको प्लेस डालना है फॉर्म जहाँ से भी आप फिल कर रहे हो। फिर आपको अपना जो एक पासवर्ड आपको जनरेट करना होगा, फिर कंफर्म पासवर्ड आपको करना होगा, फिर आपको एक की यहाँ पर नीचे फिल करनी होगी, फिर कंटिन्यू आपको करना होगा। पासवर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पर, आपको इसी तरह अपना भी पासवर्ड डालना होगा। पहले में जो पहला वर्ड होगा आपका कैपिटल होना चाहिए, फिर स्मॉल लेटर आपका होना चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर और एक नंबर आपका होना चाहिए। इसी तरह आप अपना भी पासवर्ड डालना है, फिर कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज में चले जाना। फिर आपको अपनी सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। फिर यदि आप वो सही है डिटेल सारी, तो आपको इस चेकबॉक्स में आपको क्लिक करना होगा, फिर आपको सबमिट
आपको करना होगा। फिर आपको लॉगिन करना होगा, आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने डाला था तो वो आपको इसमें डालना होगा। फिर आपने जो पासवर्ड आपने बनवाया था वो आपको इसमें डालना है। फिर आपको नीचे कैप्चा नीचे इसको फिल करना होगा। फिर आपको लॉगिन करना होगा। फिर आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो फिल हो गई होगी। उसके बाद फिर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डालनी है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ से आपको एजुकेशन डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट करनी है। फिर नेम ऑफ डिग्री आपको फिल करनी होगी। फिर आपको अपना यूनिवर्सिटी बोर्ड का स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना यूनिवर्सिटी बोर्ड आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपने डेट ऑफ इशू आपको डालनी है, जो फाइनल मार्कशीट आपकी होगी। फिर आपको अपना सब्जेक्ट आपको डालना होगा, जो भी सब्जेक्ट आपके रहे थे। फिर आपको अपनी मार्किंग की टाइप आपको डालना होगा, आपका ग्रेड में था या कैसा भी था। फिर आपको एजुकेशन डिटेल आपको करना होगा। फिर आपने जो 10th की डिटेल अपनी डाली होगी वो नीचे फिल हो गई होगी। उसके बाद आपको अपनी 12th और फिर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल डालकर आपको उसको ऐड कर लेना होगा। तो फिर आपने जो भी अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपने डाली होगी वो नीचे आपके यहाँ पर फिल हो गई होगी, 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल। फिर यदि आपके पास लॉ की डिग्री है तो आपको इसको यस करना, वरना आपको नो करना है। फिर यदि आप मिनिमम 2 ईयर से टेरिटोरियल आर्मी में कार्य कर चुके हो तो आपको इसको यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर यदि आपके पास NCC B का सर्टिफिकेट है तो आपको इसको यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर यदि आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको इसको यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर यदि आपके पास NSS का C सर्टिफिकेट है तो आपको इसको यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर आपको अपनी एग्ज़ाम सिटी आपको सिलेक्ट करनी होगी। प्रेफरेंस फर्स्ट आपको डालनी होगी, प्रेफरेंस टू, दो परीक्षा केंद्र आपको सिलेक्ट करने होंगे। फिर यदि आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान है तो आपको इसको यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर यदि आपको फिजिकल में आपको छूट चाहिए तो आपको इसको यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर यदि आपके पास कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो आपको इसको यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर यदि आपके UKPSC या UPSC में आपका जब चयन हो रहा था तो आपको ब्लैंक लिस्टेड किया था तो आपको उसको यस करना है, वरना आपको नो करना है। फिर आपको अपना एक आईडी प्रूफ आपको सिलेक्ट करना होगा, आईडी का नंबर आपको डालना होगा। आईडी के तौर पर आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड को यूज कर सकते हो। फिर आपको सबमिट आपको करना होगा। फिर नेक्स्ट पेज में आपको चले जाना होगा। फिर आपको इस चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको कंटिन्यू आपको करना होगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज में अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करने हैं और कैसे रिसर्च करने हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये सब कुछ कैसे करना है, वो भी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। तो आप इस स्टेप को फॉलो करना। तो आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है और आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऐप को आपको सर्च कर लेना है, और 3rd नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको क्लिक करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसमें ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है, तो मैं अब इसमें ओपन करके आपको बताऊंगा आपको फिर क्या करना है। फिर आपको न्यू फोटो में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है, इंडिया आपको सर्च करना है, और नीचे स्क्रॉल करके आपको जो पेज मांगा गया उसमें था जो 35 mm उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, और इसको आपको 300 DPI में रहने देना है, ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको जो अभी आपने फ़ोटो एडिट की थी पिक्सल आर्ट से वो आपको ले लेनी है। उसके बाद आपको इसे स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसे क्रॉप कर लेना है, जितनी भी आपकी फ़ोटो की लेंथ होगी, तो मैंने इसे क्रॉप कर लिया है। उसके बाद आपको ये क्रॉप पर ऊपर आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जितने भी फिल्टर है आपको अपने हिसाब से इसको यूज़ कर लेना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपका फिर ये फ़ोटो आपका तैयार हो गया, मैंने जो फ़ोटो और सिग्नेचर को साथ में ऐड कर लिए हैं। फिर उसके बाद आपको इसके JPG फॉर्मेट में ही रहने देना है, और यहाँ से आपको अपने फाइल का साइज़ सिलेक्ट कर लेना है।
तो दोस्तों मैंने इसका फाइल का साइज़ सिलेक्ट कर लिया है, लगभग 22 KB। फिर उसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर लेना है और सेव करके आपको उसमें अपलोड कर लेना है। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन और सारी जितनी भी डिटेल होगी वो फिल हो गई होंगी, उसके बाद आपको ये जो डिक्लेरेशन है इनको आपको क्लिक करना होगा। मेक पेमेंट आपको करना होगा और आपको अपना पेमेंट आपको करना होगा। फिर आपको पे नाउ पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना पेमेंट आपको कर लेना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो। फिर आपको पेमेंट करने के बाद आपको अपना प्रिंट ले लेना है, तो इससे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों और इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करना, और UKPSC से जुड़ी और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल में डेली न्यू न्यू जॉब के अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। आपको घर बैठे कैसे फॉर्म फिल करना होता है वो हम पूरा डिस्कस करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।